This is All India Radio. एक जाना पहचाना चेहरा जिन्हें हमने फिल्मों में टीवी धारावाहिकों में और वेब सीरीज में देखा है गैंग्स ऑफ वसीपोर फुकरे बरेली की बर्फी वेब सीरीज मिर्जापुर क्रिमिनल जस्टिस और कई अन्य फिल्में जिन्हों जिसमें आपने अपने अभिनय की छाप छोड़ी जी हाँ जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद मैम नमस्ते आपको भी और जो आपके श्रोता हैं ऑल इंडिया रेडियो के तो उनको भी मेरा नमस्ते पंकज जी हमारा सौभाग्य की आज विविध भारती का स्थापना दिवस है और ऐसे में आज हमारे साथ आप जुड़े हैं तो आकाशवाणी के साथ आपका जो रिश्ता रहा है वो तो बहुत लंबे समय से रहा होगा हमारे जीवन का पहला मोड ऑफ मनोरंजन जो था ना इंटरटेनमेंट था ना वो रेडियो ही था मेरे गाँव में चार रेडियो सेट और आप सुन रहे हैं विविध भारती और एक अलग सा टून यहाँ तक की रेडियो चालू होने का पहले सुबह में एक ट्यून खाली आता था ऐसा कुछ सिग्नेचर ट्यून हाँ सिग्नेचर ट्यून तो हम लोग उस समय से गांव में रेडियो शुरू हो जाते थे आपके स्टेशन खुलने के पहले हमारे रेडियो खुल जाते है? थे <laughs> तो पंकज बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव में जब आप त्योहारों के दिनों में नाटक और रंगमंच किया करते थे कभी आपने सोचा था कि एक दिन आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अभिनेता बन जाए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था हम जीवन में कई बार नहीं सोचते हैं वो भी हो जाता है तो हम सबका जीवन जो है वो बहुत सारे आश्चर्य बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबिलिटी अद्भुत से भरा हुआ है ईमानदारी से काम करते जाओ पता ना कितने आश्चर्य मिलेंगे सुखद भी और दुखद भी हर किस्म के तो आप एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं बचपन में पिता के साथ खेतों में भी काम किया तो बिहार के ग्रामीण परिवेश से मुंबई महानगरी तक का जो सफर संघर्ष की एक कहानी रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ बस बिहार में एक लड़का सोचा कि मतलब मैं मुझे आर्ट फील्ड में जाना है सिनेमा में तो नहीं मैं रंगमंच करना चाहता था और करता था उसमें मजा आता था पर बाद में अब रंगमंच में हिंदी रंगमंच में जीविका नहीं चल पाती है तो सिनेमा का रुख हो गया तो ये अभी हम डेमोक्रेसी और एक रेडियो का कार्यक्रम है चुनाव आयोग और आपके ऑल इंडिया रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जंक्शन उसके लिए दिल्ली आए थे पिछले दिनों तो उसमें एक काम है कि मुझे लगता है कई बार कि जो मेरी खुद की जर्नी है वो उसमें इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे का बहुत बड़ा रोल है कि एक पिछड़ा अति सामान्य परिवार का लड़का भी सिनेमा में जा सकता है यस उसके लिए मुझे मेहनत बहुत करना पड़ा जी तोड़ मेहनत करना पड़ा लेकिन कहीं ना कहीं उस मौके को पाने में हमारे जो लोकतांत्रिक ढांचे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ बिदा पैसे दिए मैंने एक्टिंग सीखा मेरी पूरी एडुकेशन पूरी जर्नी सरकारी स्कूलों में हुई है मैं कभी किसी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल विद्यालय में नहीं गया और बावजूद उसके अपने पसंद के सेक्टर में काम कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी कि तो यही है तो कुछ भी हो सकता है किसी के जीवन में तो आगे बढ़ने से पहले हम आपके पसंद का एक गाना सुनना चाहते हैं अमिन सयानी जी का प्रोग्राम बिना का गीत माला उसमें एक गाना मुझे अक्सर याद है वो चार रेडियो सेट पे बजता था फूल तुम्हें भेजा है क्या बात है फूल नहीं मेरा दिल है ना, ना ना मैं बेसुरा सिंगर हूं तो <laughs> मैं क्यों ये दर्शकों को सुना दू कि मैं बेसुरा हूँ बोल के ही सुनाना बोल दिया बेसुरा हूँ गाऊंगा तो पता चल जाएगा <laughs> अच्छा चलिए 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपको असली पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर से तो इस फिल्म से जुड़ा आपका जो अनुभव रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आ, सुना है कि इसके लिए आपको आठ घंटों तक ऑडिशन देना पड़ा था? जी 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 आठ घंटे ऑडिशन देना पड़ा था तब जाकर सिलेक्ट हुआ जिंदगी है और सिनेमा में भीड़ बहुत है तो वहां मौका पाना थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन आप टैलेंटेड है फोकस्ड है आप अपने काम को जानते हैं तो असंभव नहीं है मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है यस yes, मैंने आठ घंटे वसेपुर के लिए ऑडिशन दिया था बहुत कम पैसे मिले थे बहुत कम मतलब बहुत ही कम लगभग उतने पैसे जितने आजकल मेरे स्टाफ शूटिंग में ले लेते हैं अच्छा। तो बट ठीक है पैसे से इम्पॉर्टेंट नहीं वो मौका बड़ा था बहुत बड़ा मौका था लोग जाने देखे कि ये कौन एक्टर है चर्चा हुई पूछे लोग सो तो यही है बाकी मैं दो से लेके और ऑलमोस्ट बारह तक आठ साल तक मुंबई में इधर उधर भटक ही रहा था वो लंबा संघर्ष था जिसमें मेरी जीवन संगनी मृदुला नाम है उनका उनका बड़ा योगदान है वो टीचिंग करके घर चलाती थी और मैं एक्टिंग का असाइनमेंट जॉब ऑडिशन देते रहता था खोजते रहता था कुछ काम मिले तो बट जीवन सुखद था छोटा घर था खुशियां ज्यादा थी जीवन संगनी का जिक्र आपने किया तो पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी बात करूँ तो पंकज आप ये लव एट फर्स्ट साइट था साइट तो, था लव एट इंफॉर्मेशन साइट था Okay. हाँ वो मेरे एक राजमिस्त्री ने आके बोला था कि उधर बहुत सुंदर लड़की है तुम्हें तो कैसी है तो उसने बयान किया था ऐसी है तो मैं देखा भी नहीं था प्रेम हो गया था तो हमारा लव एट फर्स्ट साइड के भी पहले था लव एट इन्फॉर्मेशन स्टेज सिर्फ सूचना मिली <laughs> और प्रेम हो गया देखे भी नहीं पंकज एक और बात गैंग्स ऑफ वासीपुर के बाद आप नेगेटिव रोल्स के साथ टाइप्ड हो गए तो ये जो भूमिकाएं हैं नेगेटिव रोल इसको प्ले करना कितना मुश्किल है या आसान है आप क्या कहना चाहते हैं थोड़ा मुश्किल है मुश्किल है है थोड़ा क्योंकि उसमें क्या ना एक्टिंग करनी पड़ती है हम हम मैं मैं उतने मतलब मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता मैं किसी को अपमानित नहीं कर सकता मेरे साथ कोई ठग थक अगर ठगेगा ठगी कर रहा होता है ना मुझे मालूम है मैं ठगा जा रहा हूँ तो मुझे लगता है इसको जरूरत होगी तो चुपचाप ठगा जाने दो इसको पद बुरा ना लगे कि मैं समझ गया ये ठग रहा है तो मैं वैसा व्यक्ति हूँ कि मैं ठग को भी समझता हूँ किसी क्राइसिस में मुसीबत में मुझे ठग रहा है इसको ठग इसकी ठगी अच्छा। आराम से हो जाने दो कोई बात नहीं है तुम्हारा कितना नुकसान होगा आज जितना ठगे जाओगे उतना तो लगता है नहीं नुकसान ज्यादा नहीं है तुम तो छोड़ दो तुम तो एक्टिंग विलेन वाले रोल में निगेटिव रोल में ज्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि मेरी मेरी सोच है नहीं वैसी मैं बहुत माफ करने वाला व्यक्ति हूँ और माफी मांगने वाला व्यक्ति हूँ तो दरअसल वही जो है जल्दी वो माफी नहीं मांगते और माफ़ नहीं करते हैं ये अभिनय असल है के आप जो नहीं है, वो आपको करना पड़ रहा वो है वो करना पड़ रहा है है तो तो उसमें अभिनय ज्यादा करना पड़ता है। बाकी ये सब तो ये सब बरेली की चाहे गुंजन सक्सेना ये सब मैं ही हूँ जो मैं कॉमेडी वाले रोल जी, करता हूँ दरअसल मैं मैं वो हूँ जो कॉमेडीज वाले रोल होते हैं विलेन वाले रोल में मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है पंकज मनोज वाजपेयी जी को आप अपना आदर्श मानते हैं और उनके साथ जुड़ा एक किस्सा बहुत ही फेमस है कि किस तरह से एक होटल में वो अपनी चप्पलें छोड़ गए थे और आपने उन चप्पलों को सुविधियों के तौर पर रखा लेकिन आज हम देखते हैं कि पंकज त्रिपाठी यूथ आईकॉन है और जैसे ही उन्होंने हॉल में प्रवेश किया तो हमारा जो यूथ तबका था वो आपके सराहना में लग गया तो हाँ। क्या कहेंगे आप अच्छा है, मैं मैं कहा सोचा था की मुझे मेरे गाँव में भी कोई नहीं जानता था ठीक से इस गाँव में टोले होते हाँ, हैं ना हाँ� तो वो उस टोला इस टोला में कोई जानता नहीं था कौन पंकज है अब देश के नौजवान और विदेशों में लोग जानते हैं पिछले दिन वाइफा में था इतना प्रेम मिला कि मैं भी स्तब्ध रह गया मैं तो सकते में था कि अच्छा ये अबू धाबी में मुझे इतने लोग जानते होंगे ग्लासगो में एक बार गया वहां भी ऐसी क्राउड आ गई मुझे लगा अच्छा मेरे को जानते हैं मुझे याद है कुछ साल पहले एयरपोर्ट पे एक आदमी एक तस्वीर लेने आया और तब मैं वासेपुर के पहले की बात है तो तस्वीर खींच लिए तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा चलिए तस्वीर ले ली आपको मेरा नाम पता है बोले नहीं तो आप सुल्तान सुल्तान थे मैं बोला सुल्तान तो थे लेकिन नाम पता नहीं तो फोटो लेके क्या करोगे बोला मेरे को पसंद है तो मुझे लगा कि यार इंसान आदमी से बड़ा उसका चरित्र होता है एक्टर छोटा होता है कैरेक्टर बड़े होते हैं और मुझे लगा कि अच्छा है आपको मेरा नाम याद नहीं मेरे किरदारों का नाम याद है अपनी सभी फिल्मों में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी है वो मुश्किल है हलवाई कैसे बताए कि कौन सी मिठाई मुझे ज्यादा पसंद है जो ज्यादा बिक गई वो पसंद है कई बार नहीं जो तो हलवाई के लिए सब मिठाई पसंद है अच्छा अब एक थोड़ा सा थोड़ा सा गंभीर सवाल क्योंकि आज आज आप आप इलेक्शन कमीशन के साथ एक बहुत ही बड़े अभियान के तहत आए यहाँ पर पधारे तो हमने सुना है सुमित्रा नंज की पंक्तिया भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा महिला सांचल तो पंच की पंक्तियां जब भी आती है तो भारत के गाँव का एक दृश्य हमारे सामने आता है और फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास आंचल भी तो आप आप बिहार के उसी अंचल से आते हैं तो आज भारत के गांव विकास की ओर अग्रसर है है काफी कुछ हुआ है। मैं बता रहा था कच्ची सड़क से खड़ंजा में गांव छोड़ा था मैं जब खड़ंजा हुआ तो गांव छोड़ा था दसवीं में वो सड़क पक्की हो गई है और और हालांकि अभी भी मानसून में और मानसून के पहले थोड़ी टूट गई है तो आई थिंक रिपेयर होगा जल्दी उसका तो काफी कुछ बदला है वो काफी कुछ बदला है सिर्फ बिहार के गाँव में नहीं हिंदुस्तान के हर गांव में कि और काफी कुछ और बदलने की और करने की जरूरत भी है हम एक चीज तो बिहार में मुझे जो अच्छा लगता है एक बड़ा बदलाव गांव में वो है वुमेन एम्पावरमेंट का कि लड़कियों को मैं अब साइकिल पर देखता हूँ स्कूल जाते हुए पहले पांच गाँव में एक लड़की साइकिल चलाती थी अब हर गाँव की पचास सारी लड़कियां साइकिल चलाती हैं ये एक ऐसा बदलाव है जो मैंने खुद देखा है अपने गाँव में हर बच्ची अब साइकिल चलाती है पहले दस गांव पे एक फलाने बाबू की लड़की साइकिल चलाती है तो उसका चर्चा होता था अभी नहीं है तो बहुत कुछ बदला है टेक्नोलॉजी आने से बहुत कुछ बदलने की जरूरत है मुझे अपने राज्य में कई बार लगता है कि विस्थापन थोड़ा कम हो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की एक बड़ी समस्या है नौकरी के लिए लोग बाहर जाते हैं तो होगा समय के साथ काफ़ी कुछ नॉट बिहार पूरा देश बहुत हम ग्रो किए हैं बहुत बेहतर गए हैं मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था हॉटस्टार पे कुछ तो इंडिया वो स्काई कि ऊपर से वो लोग शूट किए हैं मैं वो डॉक्यूमेंट्री देखते हुए मतलब मैं भावुक हो गया मुझे गर्व की अनुभूति हुई कि यार कितना अद्भुत देश है हमारा कितना अद्भुत है कि में रेगिस्तान है तो पूरब में सबसे वेट इलाका है जो भी माननीय चुनाव आयोग साहब बोल रहे थे चेरापूंजी है तो सब कुछ है कितने कल्चर हैं कितने त्यौहार हैं कितने फेस्टिवल हैं इतनी अनेकता के बावजूद कमाल की, की एकता है हम साथ रहते हैं हम एक दूसरे के सुख दुख में चिंतित होते हैं हमारा मूल जो भाव है वो चरित्र है कि चरित्र खराब नहीं होना चाहिए मैं इन दिनों चरित्र के ऊपर पढ़ रहा हूँ स्वामी विवेकानंद को खैर धन्यवाद तो जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ तो पंकज जी जाने से पहले भोजपुरी में एक डायलॉग हम का बोली भोजपुरी में आवे ना भोजपुरी समझ में आती है समझ में आएला अच्छा अच्छा कुछ भोजपुरी में कुछ ना बोले पटना रेडियो स्टेशन में चली था लोहा सिंह का एक प्रोग्राम आता था सुनती हो खदेड़न की मदार हाँ बोलते हो हमारे यहाँ वो, वो, खदेड़न की मम्मी बोलती है एक लाइन की हमारे यहाँ बहुत बड़ा आदमी पैदा हुए हैं हमारे गांव में बहुत बड़का आदमी पैदा हुए हैं कही ये बोलते हैं तो खदेड़न की मदर बोलती है कि गजीब आपका गाँव है हमारे गाँव में तो खाली बच्चा पैदा होते हैं आपके गाँव में बड़का आदमी कैसे पैदा हो गया तो ये है लोहा सिंह रेडियो का प्रोग्राम था इनफैक्ट कुछ दिन पहले छह महीना पहले हवा महल सुना मैं अलीबाग से आ रहा था बॉम्बे गाड़ी में तो एफएम बदलते हुए हवा महल आ गया मैं बोला रुको रुको हवा महल फिर मैं सुना और मेरी सारी बचपन की यादें आ गई तो तब मुझे मालूम चला कि हवा महल अभी भी चलता जी जी है छह आठ महीने पहले मैंने हवा महल सुना था गाड़ी में खदेड़न की मदर लोहा सिंह का है वो सीनियर थे हमारे रामेश्वर सिंह कश्यप भी वो करते थे क्या नाम था उसका लोहा सिंह वाले प्रोग्राम का कुछ नाम भी था उसका कोई फिल्म का डायलॉग भोजपुरी में हाँ भोजपुरी में कुछ ना बोले आप सब लोगों के प्रणाम बस जुग जुग जिया <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद